फिट हाइट कोर्स अब छोटे कद को बड़ा मसला ना समझे, छोटे कद के शिकार अफराध के लिए इस मसले से निजात के लिए बेहतरीन नुस्खा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है हाइट का रुक जाना। अक्सर छोटे कद के लोग अपने छोटे कद को बढ़ाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं कि किसी तरीके से इनका कद बढ़ जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि मखसूस उम्र तक ही कद बढ़ता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप 18 साल की उम्र के बाद भी अपना कद बढ़ा सकते हैं। कद का दारोमदार आपके वालदैन पर भी मुनहसर करता है। अगर आपके वालदैन का कद लंबा है तो ऐन मुमकिन है कि आपका कद भी लंबा हो, लेकिन अगर आपके वालदैन का कद छोटा है तो इससे आपका कद भी मुतासिर हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपका कद भी आपके वालदैन की तरह छोटा ही हो। वो बच्चे जो बचपन में खेल कूद ज़्यादा करते हैं, बाकायदगी से खेलों में हिस्सा लेते हैं, इनका कद बाकी बच्चों के कद से अमूमन बड़ा होता है और ऐसे बच्चे जिस्मानी तौर पर मजबूत भी होते हैं। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं और अपने दोस्त अहबाब के साथ घूमने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है आपकी इस परेशानी का बेहतरीन हल। अब मैं आपको कद छोटा रह जाने की कुछ वजूहात का बताती हूँ, जिसमें कैल्शियम और जिंक की कमी छोटे कद का सबब बनती है। माँ में कैल्शियम की कमी हो तो बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइट ग्रोथ रुक जाती है। WHO की तहकीक के मुताबिक जो बच्चे पाखानों की ज्यादती का शिकार होते हैं इनमें जिंक की कमी वाकई हो जाती है, जो छोटे कद की वजह बनती है। इसी तरह अक्सर माएँ अपने बच्चों को बचपन में कोला और चाय का आदि बना देती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और जिंक का इखराज बढ़ जाता है और जिसम में हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और कद छोटा रह जाता है। अब छोटे कद वाले दिन छोटा ना करें, तासीर दवाखाना के काबिले माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तहकीक के बाद इस बात को यकीनी बनाया कि छोटे कद को बढ़ाना मुमकिन है और इस मसले के हल के लिए एक बेहतरीन इताज का हामिल कोर्स मुतारिफ करवाया। जी नाजी, छोटे कद को फिट हाइट कोर्स से बढ़ाना बहुत आसान है। तासीर दवाखाना लाया आपकी इस परेशानी का हल। जदीद तिब्बी और साइंसी तहकीक ने साबित किया कि छोटा कद ज्यादातर हार्मोन में खराबी की वजह से होता है, जिसका इलाज मुमकिन है। हम दावा करते हैं और यकीनी हल पेश करते हैं। अक्सर लड़के और लड़कियां जिनके कद छोटे हैं, इसकी वजह पिट्यूटरी ग्लैंड और इससे मुतलका निज़ाम में कमी बेशी के बायस होता है। फिट हाइट कोर्स में इन अद्वियात का मुरक्कब किया गया है जो हार्मोन्स के निज़ाम को दुरुस्त करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के निज़ाम को तरतीब देकर कद के नशोनुमा की राह हमवार करते हैं। जिनकी हड्डियों की नशोनुमा ना हुई हो, फिट हाइट कोर्स इनकी जहनी और जिस्मानी तरक्की की रुकावटों को दूर करके नशोनुमा की राह हमवार करता है। फिट हाइट कोर्स में मौजूद कुदरती अज़ा जिसम में कैल्शियम और जिंक की कमी को दूर करते हैं, जो कद बढ़ाने में बहुत नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। अब कद के छोटे रह जाने के मसले को दूर करने के लिए कुछ खुराक और परहेज और एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। खाने की चीज़ों में ताज़ा सब्जी और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। चटपटे और तेज मसाले वाले खानों से मुकम्मल परहेज करें। दूध और केले का मिल्क शेक रोजाना पिए। रोजाना वर्जिश किया करें। वर्जिश में ऐसी एक्टिविटी को अपना मामूल बनाएं जिसमें जंपिंग हो या किसी चीज के साथ लटकना पड़े, और 2 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। नाज़रीन, वो लोग जो छोटे कद की वजह से असासे कमतरी का शिकार हैं, इस कोर्स को लाजमी इस्तेमाल करें और अपनी इस परेशानी से छुटकारा हासिल करें। इस कोर्स के मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।